हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेनाज, वेलकम बैक टू माय चैनल। टोमेटो सूप एक ऐसी यूनिवर्सल रेसिपी है जो बच्चों को पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है, यानी सबकी पसंदीदा है। टोमेटो सूप जो सुनते ही सिंपल है, लेकिन उसे किस तरह से बढ़िया और न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, आइए देखते हैं। टोमेटो सूप बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 10 से 12 फ्रेश लाल लाल टोमेटोस, 4 हरी मिर्च आप जैसा कम ज़्यादा तीखा पसंद करें, 1 से 1.5 इंच अदरक और 15 से 20 लहसुन के पीसेस। यहाँ पे गरम मसाला हम लेंगे 1 तेज पत्ता, 4 इलायची, 4 से 5 लौंग, दालचीनी 1 इंच के 2 स्टिक और ब्लैक पेपर 20 से 25, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून चावल जो कि सूप की कंसिस्टेंसी को थिकन करेगी। और वेजिटेबल्स में हम यहाँ पे लेंगे 1 गाजर और 1/2 बीटरूट। बीटरूट हमारे सूप को एक अच्छा कलर देगी। 1 बड़ी साइज़ की प्याज, 1 बड़ा शिमला मिर्च, इन सब को हमने रफली कट करके लेना है। 1 बॉल जितना फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर, हरा धनिया जो कि एक अच्छा फ्लेवर देती है, हम करीब 1 बॉल लेंगे, और हिस्बे जायका नमक। 4 ब्रेड स्लाइसेस लिया है जिसे चौरस चौरस काट लिया है क्रूटॉन्स बनाने के लिए। बच्चों को बेहद पसंद आते हैं क्रूटॉन्स। अमूल फ्रेश क्रीम ये ऑप्शनल है बिल्कुल, इसे गार्निश करते वक्त यूज़ करेंगे। और 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। हमने गैस को किया है ऑन, इसमें हम करीब 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल गरम होते ही इसमें गरम मसाले डाल देंगे। ये लीजिए, हमने सारे गरम मसाले ऑयल में डाल दिया है। अब इसमें प्याज भी डाल दें, फिर इसमें जाएगा अदरक लहसुन और हरी मिर्च, आप अपने हिसाब से हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। अब बैक टू बैक सभी वेजिटेबल्स डाल दें, गाजर, बीटरूट, शिमला मिर्च, कॉलीफ्लावर डालकर हल्का सा सॉटे करना है। टोमेटोज को भी रफली कट किया है, उसे भी डाल दें, अच्छे से मिला लें। अब इसमें चावल डाल दें और थोड़ा सा कटा हरा धनिया भी डाल दें। अब नमक हिस्बे जायका डाल दें। पानी एज रिक्वायर्ड टोमेटोज़ के लेवल के हिसाब से डालें। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और करीब 2 सीटी लेंगे ताकि हमारे टमाटर और दूसरे वेजिटेबल्स अच्छे से गल जाएं। टोमेटोज और वेजेस को कुकर से इस बर्तन में निकाल लिया ताकि अच्छे से और जल्दी से ठंडा हो जाए। अब इसे हम पीस लेंगे। ठंडा करके ही पीस लेना है। ये अच्छे से पीस गया है, अब उसे हम छान लेंगे।
हमने जो प्रेशर कुक किया उसका बड़ा फ़ायदा यही है कि टमाटर और वेजिटेबल्स अच्छे से गल जाता है और वेस्टेज कम होता है। अब उसे दोबारा पकाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब इसमें हम स्पाइसेस सेट करेंगे। गैस को किया ऑन, एक बड़ी कढ़ाई रख दी है, एक चम्मच प्यूरी का डाल देते हैं इसमें। अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ब्लैक पेपर। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें बाकी सारा प्यूरी डालकर करीब 15 मिनट तक पका लेंगे। कलर बहुत ही बढ़िया आया है। सूप में पानी आप अपने हिसाब से डालें क्योंकि कुछ लोग सूप गाढ़ा पसंद करते हैं तो किसी को पतला सूप पसंद है। इसे थोड़ा ढककर भी पकाएंगे। क्रूटॉन्स बनाने के लिए अब दूसरी तरफ ऑयल को गरम कर लें और ब्रेड के पीसेस डाल दें। ये आप धीमी आंच पर ही फ्राई करें। हमारे क्रूटॉन्स रेडी हो गए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। सूप में भी अच्छा उबाल आ गया है और कलर भी बढ़िया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसे हम अब सर्व करते हैं। इसमें कुछ क्रूटॉन्स डालें, हरा धनिया भी डाल दें। और आखिर में अमूल फ्रेश क्रीम से गार्निश करें। टमाटर हमने वेजिटेबल्स को भी शामिल कर लिया सूप में, है ना डबल फ़ायदा। ये आप ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि कैसे लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट भी ज़रूर करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।